राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी एक केंद्र बनाया गया है। इससे पूर्वांचल के शिक्षकों और छात्रों को कैसे लाभ होगा, इस बारे में काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभाव अब विश्वविद्यालयों में दिखाई देने लगा है, जो योजना है मूर्त रूप लेने लगी है। ऐसा ही एक विश्वविद्यालय है काशी में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का उत्तरदायित्व पाया है। सर, इसके क्या लाभ हैं शिक्षकों को और विश्वविद्यालय को भी? देखिए, जब से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, कुछ समस्याएं, कुछ चैलेंजेज, कुछ चुनौतियां शिक्षा जगत के सामने आ रहे हैं। ये जो सरकार का नया मिशन आया, जिसे हम मालवीय मिशन कह रहे हैं, जिसमें टीचर्स ट्रेनिंग पे विशेष तवज्जो दी गई है, ये इसके लिए एक बहुत ही वरदान साबित हुआ है। इसमें नई शिक्षा नीति के समस्त पहलुओं से कि कैसे इसको लागू करना है, जो समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे दूर करना है, कॉलेजेस में क्या होना है और विश्वविद्यालय के विभागों में क्या होना है, इन समस्त समस्याओं को हम एक साथ समाहित करेंगे। आपके यहाँ तो अभी चल रहा है, तो इसमें किस तरह का आप देख पा रहे हैं अपने शिक्षकों के लिए भी, छात्रों के लिए भी और विश्वविद्यालय के लिए खास, क्योंकि विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग भी हो रही है, तो इसका क्या लाभ मिलेगा क्या? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि काशी विद्यापीठ को इसके लिए आइडेंटिफाई किया गया। इसका मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन की नेशनल विजिबिलिटी है, तो नेचुरली ये हमें रैंकिंग और ग्रेडिंग में भी एडवांटेज देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे ही अध्यापक, जिनको हम नहीं भेज पा रहे थे, वो हमारे घर पे ही आके यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो देखिए नंबर से पता लगता है, हमें 200 सीट मिली हैं कि हमें 200 अध्यापकों को करना है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि 200 रजिस्ट्रेशन कुछ ही घंटों में हो गए। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये योजना कितनी लाभकारी होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो टीचर्स को समझ नहीं आ रही हैं, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े टीचर हैं और वो कहीं जा भी नहीं सकते, उनके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि उनको अपने घर में बैठ के ये सारी चीज़ें सीधे सीधे बताई जा रही हैं। और जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हैं। शिक्षकों के लिए विशेष है क्योंकि उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, अपनी क्वेरीज वो क्लियर कर पा रहे हैं विशेषज्ञों से, और काशी विद्यापीठ के लिए भी अपने आप में एक गर्व का विषय है कि उसको मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र का उत्तरदायित्व मिला। कैमरा पर्सन शैलेश चौरसिया के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी विद्यापीठ, वाराणसी। वहीं झारखंड के सिमडेगा जिले में लोकसभा चुनाव में मतदान